इधर प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। लगाने के बाद बीप की आवाज़ आ रही है, इधर है ना 300 से 600 तक के बीच में रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है। उल्टा करके देखते हैं, मोबाइल पूरी तरह शॉर्ट है, तो आपको शॉर्ट मोबाइल कैसे ठीक करते हैं थोड़ा जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अपने को ये जो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं, रिंगर हो गया, माइक, स्पीकर, ये सब निकाल देना, ठीक है। क्या होता है कभी कभी इससे भी शॉर्टिंग पैदा हो जाती है। चेक कर लें शॉर्टिंग निकला है क्या। फ्रेंड, ये जो खांचा वाला आता है, इसका ये प्लस है, ये माइनस रहता है, ये न्यूट्रल रहता है, और जो सीधा बैटरी आता है उसको इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव रहता है, और बीच वाला न्यूट्रल रहता है। इसका ये पॉजिटिव यानी ये नेगेटिव, बजट पे अभी भी रेंज जा रही है, पा रही है बोले तो अभी मोबाइल शॉर्ट। अब इसमें काम कहाँ कहाँ करना है, ये देखो। एक तो ये बैटरी सेक्शन शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। तो बैटरी शॉर्ट हो, सेक्शन शॉर्ट है बोले तो कहाँ से चेक करेंगे आपका, इधर ये बी बैट करके एक दिया है, वी बैट यानी ये ग्राउंड है, तो ये वी बैट है, उसको एक बार चेक कर लेंगे कि अपना ये समझो इधर रीडिंग आने लगा, तो समझो अपना सॉकेट खराब है, ये बेस खराब है, तो एक बार चेक करके देख लेंगे इसको, वी बैट पे पॉजिटिव को और दूसरा नेगेटिव किधर भी ग्राउंड को, इधर भी शॉर्ट है, भी शॉर्ट है, तो ये अपना ये बेस है, जो बेस शॉर्ट नहीं है, आगे कहीं से भी कैपेसिटर या फिर रेजिस्टेंस या जो कुछ भी है कंपोनेंट वो शॉर्ट है। तो आप सबसे पहले जो कंपोनेंट चेक करना है ना, तीन सेक्शन में आपको चेक करना है, एक तो बैटरी सेक्शन हो गया, एक दूसरा चार्जिंग, और ये तीसरा आता है इधर नेटवर्क सेक्शन। तो नेटवर्क सेक्शन से आप सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है उधर बैटरी और नेटवर्क से आता है, ठीक है। और आपको है ना कुछ नहीं करना है, आपको ये जो सबसे पहले ये जो बड़े कंपोनेंट हैं ये कैपेसिटर, ये चेक कर लेना है, इधर भी नहीं आ रही बोले तो ये कंट्रोल बरोबर, ये किधर है। सबसे पहले बैटरी का ही चेक करने का अपने, देखिए ये कंपोनेंट पूरी तरह से शॉर्ट है, तो इसको पहले निकाल देंगे। मोबाइल में कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं ना, निकालने के बाद भी मोबाइल वर्क करता है। निकालने का तरीका एक आपको बताता हूँ मैं, निकालना बोले तो आपको खाली इसका पॉजिटिव सिरा निकाल देना है, नेगेटिव जो है ना वो लगा रहने देना, ठीक है। या भी कोई भी एक साइड से निकाल देना है, दूसरा लगा रहने देना, क्योंकि आप इसको पूरा निकाल देंगे समझो ये आपका शॉर्ट नहीं होगा, तो आपका ये कैपेसिटर आपको फिर से लगाना पड़ेगा। अभी इसको इजी है, सिंपल है, इसको दबा के आप सोल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको निकाल देते हैं और एक बार फिर से चेक करते हैं।
इधर शॉर्ट ही नहीं आ रहा, एक बार चेक करके देखो। बोले तो ये अब सर्किट अपना शॉर्टिंग था वो निकल गया, इस कैपेसिटर प्लेट को अभी पूरा ही निकाल दो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, कैपेसिटर निकालने के बाद भी मोबाइल चालू नहीं होता है, तो आपको सेम है ना, सेम कैपेसिटी का कैपेसिटर आपको उधर पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखते हैं एक बार हो गया तो अच्छी बात, नहीं तो और ट्राई करेंगे। ये तो काम बन गया अपना, थैंक यू फ्रेंड्स। अभी जो कंपोनेंट है वो सभी इसमें जो जैसा था वैसे लगा दें, ठीक है। ये जो शॉर्टिंग का प्रॉब्लम आता है वो आपको खाली है ना बैटरी सेक्शन में, ठीक है, जहाँ बैटरी कनेक्टर रहता है वहाँ, और नेटवर्क सेक्शन में सबसे ज़्यादा आता है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और बाय चांस कभी कभी चार्जिंग की तरफ से भी शॉर्ट होता है, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और इसमें कुछ और मेरे से जो नहीं समझा पाया हूँ या फिर मेरे से कोई गलती हो गई है तो वो भी आप कमेंट में मेरे से एक बार बोलें, तो मैं आगे से जो वीडियो बनाऊंगा उसमें थोड़ा सुधार करके बनाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।